चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फोर सिंबल्स। जो इनइक्वालिटीज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फोर सिंबल्स यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। इन फोर सिंबल में से कोई एक सिंबल, ये फोर सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं इनइक्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। इन लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो इन फोर में से किसी एक फॉर्म की हो सकती है। एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल सी। ठीक है, अब अगर हम इसमें इक्वल लिख दें, इक्वल सी लिख दें, एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी लिखते हैं, तो हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स वो आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर हम इसे ड्रॉ करें जैसे एक्स वाई प्लेन है, इस लीनियर लाइन को हम ड्रॉ करें तो आप ये लीनियर लाइन आई, लेट्स सपोज हम कहते हैं लीनियर लाइन ये आपकी एक्स प्लस बी वाई इक्वल जीरो लाइन आ गई। ठीक है, अब इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब जो आंसर इसमें आएगा वो पॉइंट्स इसका जो इस लाइन की लेफ्ट साइड पे जो आपका पार्ट आएगा उसे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी। ठीक है, और राइट साइड पर जो पार्ट है वो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, मतलब इसके ये टू पार्ट्स आ गए, जिसका राइट पार्ट है उसके लिए हम लिखेंगे इनइक्वालिटी ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, और राइट पार्ट के लिए हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब जो लाइन है इसे हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ द प्लेन। ठीक है, और दूसरे पार्ट्स को हम कहते हैं जिसकी हाफ प्लेन्स हैं। अगर आपकी लाइन है एक्स वाई प्लेन है, उसमें जो लाइन है वो वर्टिकल है, तो उसको राइट और लेफ्ट प्लेन्स में डिवाइड करेगी। और अगर आपकी एक्स वाई प्लेन इस तरह से है, जो लाइन आपकी आती है वो इसको नॉन वर्टिकल है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, फिर हम कहेंगे कि ये आपकी प्लेन को अपर और लोअर हाफ प्लेन्स में डिवाइड करती है। तो ये इसकी डेफिनेशंस है। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटीज़ को हमने ड्रॉ किस तरह से करना है, इनकी ग्राफिंग देखते हैं। इसलिए हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज है 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, हमने इसे एक्स वाई प्लेन में इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन द एक्स वाई प्लेन। इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल है 6। हमें लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, हमने इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है एक्स वाई प्लेन में। सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन इनइक्वालिटी टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल सी। सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। जब हम इसमें इक्वालिटी डाल दिया तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी। एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल 6। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस लीनियर जो आपकी ये इक्वेशन आ गई है, हमें पता है जो स्ट्रेट जो आपकी इक्वेशन होती है एक्स वाई वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम इस लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम टू पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट में से तो इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स पास कर सकती हैं, तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम टू पॉइंट्स चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, हम इसके टू पॉइंट्स फॉर्म पहले फाइंड करते हैं। पहले हम एक्स इक्वल जीरो लेते हैं, जब हमने एक्स इक्वल जीरो पुट किया तो वाई इक्वल 6 आ गया, एक पॉइंट बन गया। फिर हम वाई जीरो पुट करते हैं, जब वाई जीरो किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, टू पॉइंट्स आ गए। इन टू पॉइंट्स की मदद से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। द ग्राफ ऑफ लाइन 1 कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 30 एंड 06। ठीक है, ये देखिए ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, इसमें हमने 30 पॉइंट आ गया, 06 पॉइंट आ गया, इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये आपकी जो लाइन है इसका ग्राफ आ गया। ठीक है, ग्राफ द लाइन टू एक्स प्लस वाई इक्वल है 6। इसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया इन टू पॉइंट्स की हेल्प से। अब हमने चेक करना है जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन आपका इस लाइन की राइट साइड पर आता है या लेफ्ट साइड पर। उसके लिए हमने ऐसे एक पॉइंट लेना जो इस लाइन के ऊपर लाई ना करें। ठीक है, ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर लाई ना करें। तो हम क्या करेंगे, हम 0 पॉइंट ले लेते हैं, हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं एज वी सी दैट। ठीक है, इस द लिख लें टेक आ टेस्ट पॉइंट, टेक टेस्ट पॉइंट 0 0। ठीक है, हम 0 0 टेस्ट पॉइंट लेते हैं, क्योंकि 0 0 पता है हमें इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। अगर इस लाइन पर लाई करेगा तब लाई करेगी जब आपकी लाइन ओरिजिन में से पास करती है। ठीक है, हम 0 0 पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई ना करे, उसके लिए हम 0 0 पॉइंट ले लिया। अब हमने 0 0 पॉइंट को इनइक्वालिटी में पुट किया, टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 6। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट की, आंसर इक्वल 0।
अब जीरो इज लेस देन इक्वल लेस देन सिक्स, ठीक है, मतलब ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। टेस्ट पॉइंट लेना है, अगर वो टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो ये सॉल्यूशन सेट है वो आपका ओरिजिन साइड पर लाई करेगा, ठीक है। जीरो जीरो पॉइंट पुट किया, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, सो ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी टू एक्स प्लस वाई इक्वल सिक्स इज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन वन, ठीक है। बोले अब इसका ग्राफ अगर तो आपका टेस्ट पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो ग्राफ जो है वो लाइन की ओरिजिन साइड पर लाई करेगा, मतलब जो आपका आंसर है मुझे तमाम प्लेन आ गई, शेडेड एरिया आ गया, ठीक है। इससे आपने एरिया को शेड कर देना। अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन नंबर वन था।